12वीं क्लास का इवोल्यूशन क्राइटेरिया आ चुका है और इस वक्त हम माउंट आबू पब्लिक स्कूल के एक क्लासरूम में मौजूद हैं। क्लासरूम की फीलिंग बहुत समय बाद मिली है और मेरे साथ तमाम स्टूडेंट्स हैं और प्रिंसिपल मैम भी हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर ये जो इवोल्यूशन क्राइटेरिया है ये क्या है और कितना सही है। ज्योति मैम, कितना आपको लगता है कि ये जो क्राइटेरिया सही है? सबसे पहले आसान शब्दों में हम समझना चाहेंगे कि क्राइटेरिया है क्या। इस क्राइटेरिया में बच्चे की पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस को लिया गया है। 30% वेटेज दिया गया है क्लास 10th को, उसमें जो 3 बेस्ट सब्जेक्ट्स बच्चे के में ने जिसमें स्कोर किए थे उसका 30% लिया गया है। क्लास 11th के 5 सब्जेक्ट्स का 30% लिया गया है और क्लास 12th के प्री बोर्ड्स और प्रैक्टिकल्स और इंटरनल जो होते हैं उसका 40% लिया गया है। तो टू माई अंडरस्टैंडिंग ये बड़ा ही वेल बैलेंस्ड और वेल डिसाइडेड डिसीजन है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंसल्टेशंस भी गई हैं, बहुत सारी डिस्कशंस भी हुई हैं और CBSE ने ऑल अक्रॉस इंडिया से मुझे लगता है कि अपनी सहोदयास के थ्रू, सहोदया इज ए CBSE कॉन्सेप्ट ऑफ CBSE एफिलेटेड स्कूल्स, प्रिंसिपल से भी कुछ ना कुछ इनपुट्स मांगे थे और मुझे ये डिसीजन उन सारे कंसल्टेशंस के बाद ही निकला हुआ नज़र आ रहा है और काफ़ी बैलेंस्ड डिसीजन है मेरे हिसाब से, क्योंकि बड़ा अनयूजुअल टाइम है और अनयूजुअल सिचुएशन है और अनयूजुअल उसका सॉल्यूशन निकलना ही था। तो और आई एम वेरी होपफुल कि ये जो एक हाई लेवल कमेटी बनी थी उन लोगों ने भी बहुत ही ज़्यादा इसकी प्रैक्टिकलिटी को देखा होगा, कहीं ना कहीं उसकी टेस्टिंग भी हुई होगी, तभी ये डिसीज़न निकल के आया है। और सबसे बेस्ट है कि जो CBSE ने एक चॉइस बच्चे को दी है कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप अपना एग्ज़ाम भी लिख सकते हैं, मुझे लग रहा है ये काफ़ी सोचा समझा हुआ डिसीज़न है। तो टीचर्स काफ़ी सेटिस्फाइड लगते हैं, आप सीधा स्टूडेंट से पूछते हैं, काफ़ी समय से आप इसका वेट कर रहे होंगे कि इवैल्यूएशन क्राइटेरिया आखिर होगा क्या, तो अब आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है? इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जो आया है उसमें बस मुझे जो बात थोड़ी सी वो लग रही है वो ये है कि 11th का बेसिस थोड़ा कम कर देना चाहिए, क्योंकि हमने 10th में भी बोर्ड दिया था, एक यूनिफॉर्म पेपर दिया था, 12th में भी हम बोर्ड देते अगर तो एक यूनिफॉर्मिटी के साथ देते, 11th में हर स्कूल अपना एक अलग क्वेश्चन पेपर बनाती है, अलग डिफिकल्टी लेवल का आता है, तो उससे हर बच्चे का एक अलग एवरेज निकलेगा, यूनिफॉर्म एवरेज नहीं निकल सकता। यानी 11th को थोड़ा वेटेज कम देना चाहिए था, 11th टफ है या 11th को इतना सीरियस नहीं लिया जाता? 11th में एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे ज़्यादातर अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ और प्रोफाइल बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसकी वजह से एकेडमिक्स थोड़ा लैक हो जाता है, जिसकी वजह से वहीं पे परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन हो जाती है, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली परसेंटेज भी कम है। और अगर उसकी परसेंट जो इन CBSE ने सजेस्ट किया है 30%, अगर उसको थोड़ा सा कम करके 12th में वेटेज बढ़ा देंगे तो रिजल्ट्स विल बी 12th में वेटेज बढ़ा देना चाहिए, लेकिन अब तो क्राइटेरिया सामने आ गया है। रिधिमा, आप तो इसको मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं मैम, एक्सेप्टेंस इज द ओनली ऑप्शन। हाँ, ये बात है कि अगर हम बोर्ड देते हैं तो हमारी मेहनत के नंबर होते हैं, पर हाँ ये भी सही बात है कि पूरे साल ऑनलाइन था, समझने में काफ़ी टाइम लग गया सिस्टम को, पर हाँ ठीक है, अब जो भी है पेपर सिचुएशन नहीं थी ऐसी कंडक्ट कराने लायक, तो ठीक है अब हम मानने को तैयार हैं ऐसे सिस्टम को कि ऐसे हो, मानने को तैयार हैं। एक विकल्प और भी दिया गया है कि अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप फिजिकली भी अपीयर कर सकते हैं एग्जाम्स को, तो आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा? एक्चुअली मैम, दिस इज़ अ वैलिड ऑप्शन, बट बात ये है कि कोरोना कब जाएगा इसका किसी को नहीं पता। तो अब जो है, जो मेन हमारा इशू है यहाँ पर वो ये रहता है कि हर बच्चे को अपने आप को सेट करने के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी में मेरिट बेस्ड एडमिशन चाहिए होता है। सो इससे जो विकल्प एक आता है ये होता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मेरिट बेस्ड एडमिशन लेते हैं और जो स्कूलिंग सिस्टम है वो एक दूसरे से थोड़ा कोऑर्डिनेशन में चले, जिससे एक ऐसा विकल्प निकले कि ये जो 30-30-40 की जो भी निकाली गई है ये पॉलिसी, ये एकदम परफेक्शन के साथ और किसी भी स्टूडेंट को विदाउट हार्म आगे बढ़ सके, तो इसी तरीके से मेरे हिसाब से सक्सेसफुल रहेगा और बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, तो कोर्ट में आज CBSE ने मसौदा पेश कर दिया और उसके बाद ये पब्लिक डोमेन में आ गया। टीचर्स काफ़ी हद तक इससे सेटिस्फाई लग रहे हैं और स्टूडेंट्स के इसको लेकर कई सवाल भी हैं उनके मन में, अब देखना होगा कि ये किस तरीके से लागू किया जाएगा और आगे जाकर कितना हद तक सक्सेसफुल रह पाएगा। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24।